नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। मेरे चैनल में आज मैं बताऊंगा आपको रिले के बारे में। रिले डीसी 24 वोल्टेज, 12 वोल्टेज और इसमें 240 वोल्टेज एसी की सप्लाई भी होती है। रिले होता क्या है? रिले एक स्विच है दोस्तों, रिले एक स्विच है। ये अपन इसका यूज स्विच के रूप में करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोयल होती है, कोयल में अपन सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, मैग्नेटिक बनेगा। उससे क्या होगा, अगर मैग्नेट बनेगा तो उसमें क्या होगा, एक पिन आती है, जैसे ये पिन हो गई, स्मॉल से मैग्नेट बना। जैसे मैग्नेट बनेगा तो ये क्या है, इसके चिपक जाएगी, समझ रहे दोस्तों। अगर मैग्नेट ये अगर मैग्नेट नहीं बनेगा तो ये वापस अपनी जगह आ जाएगी यहाँ पे, और मैग्नेट बनते ही वापस इस पे चिपक जाएगी, समझ रहे दोस्तों। रिले का बस यही काम होता है। और इसे रिले अब आज मैं बताऊंगा आपको, 8 पिन रिले जो है अधिकतर इंडस्ट्रियल में यूज़ होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 8 पिन रिले के बारे में, आप समझिए। ये दो पॉइंट होते हैं, 2 और 7। तो ये क्या है, ये कोयल में, मतलब ये कोयल होती है इसकी, ये कोयल के होते हैं 2 और 7 नंबर। इसको अपन सप्लाई देंगे 240 वोल्टेज एसी की, तो उसमें सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बनाएगी। तो क्या है, इसमें जो अपना एनो पॉइंट है, सॉरी एनसी पॉइंट है, ये 4, ये 5 हो गया और ये 4 नंबर, ये एनसी पॉइंट हो गया। इसमें ये डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, मैग्नेट एनसी पॉइंट होती है। जैसे ये ऑन होगी तो ये एन हो जाता है, मतलब ये इसमें चिपक जाएगी, ऐसे चिपक जाती है सर। तो इसमें सप्लाई जाएगी, अपन ये याद रखो, 2 और 7 में अपन सप्लाई देते हैं। और ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया 1 और 8, ये कॉमन पॉइंट होता है। ये मतलब कि कॉमन पॉइंट ऐसा होता है कि मतलब अगर ये जैसे सप्लाई देंगे तो एनओ आ जाएगी, और सप्लाई हटते ही एनसी पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये होता है इसका पॉइंट, तो एनसी पॉइंट है 4 और 5, 3 और 6 इसका एनो पॉइंट है, 1 और 8 इसका कॉमन पॉइंट है, और 2 और 7 हो गए इसका कोयल। इसको यूज में लेते हैं कोयल को, ये सिस्टम अपना रिले। रिले समझ में आ गया आपको, ये अपन इसको मतलब स्विच स्विच के रूप में यूज में लेते हैं इसको। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो वीडियो के नीचे बता रखा है लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको क्लिक करें। इससे क्या होगा, मेरी जो नई वीडियो है अब तक पहुंचती रहेगी। मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत आपके पास में। दोस्तों आप अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और अच्छी अच्छी और अलग डिफरेंट और अलग कॉन्फिडेंस से अलग अलग
वीडियो बनाते रहूँगा। आपसे यही अनुरोध है कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें और आपका शिव में साथ रहे। इसके लिए थैंक्स। ओके, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।